आज हम एक ऐसे आर्टिस्ट से मिलवाएंगे जिनका नाम राजपाल सिंह राजा है। ये नाम के ही नहीं बल्कि काम के भी राजा हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप पेशे से एक अध्यापक हैं और कला के क्षेत्र में भी आपने बहुत काम किया है। आप कवि भी हैं, गीतकार भी हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं आपके अंदर। आप हमें अपने कला के बारे में कुछ बताइए। ज़्यादातर तो हमने स्केचिंग किया है, ड्राइंग की है। तो कोई फिगर बनाने के लिए पहले फिगर ड्राइंग सीखी, उसके बाद जंगल में जाते थे तो वनस्पतियों की ड्राइंग, इनकी वृक्षों की, पेड़ों की, दृश्यों की अलग अलग हम स्केचिंग करते रहे। अब जैसे प्लेटफॉर्म पर गई गई तो वहाँ मुसाफिरों की स्केचिंग की, या इधर उधर हम कहीं जाते थे कोई नया दृश्य दिखता था, कोई नया चेहरा दिखता था तो उसकी स्केचिंग करते थे। तो स्केचिंग के जो बेसिक रूल्स हैं या बेसिक जो फंडाज हैं वो क्या हैं? अगर कोई नया आदमी या कोई नया बच्चा या नया कोई इस क्षेत्र में आना चाहता है तो उसके लिए आप क्या टिप्स दे सकते हैं? उसके लिए हमें पहले तो फिगर का तो अध्ययन करना ही पड़ता है, उसके हिसाब से फिर हमें स्पीड से काम करना होता है और पेंसिल की गहराई का और हल्केपन का दबाव ध्यान देना पड़ता है स्केचिंग करते समय। कितने प्रकार की स्केचिंग हो सकती है? स्केचिंग तो एक ही तरह की होती है, बाकी की जो अगर एक ही स्पीड में काम हो रहा है तो वो ड्राइंग कही जाती है, और पेंसिल का दबाव और हल्केपन से जहाँ काम किया जा रहा है तो वो स्केचिंग कहलाता है। इसमें कुछ शॉर्ट स्केचिंग या कुछ इस तरह का भी होता है? शॉर्ट स्केचिंग का मतलब यह है कि हम उसकी आउट फिगर उसको क्लियर कर दें। अच्छा। और डिटेल निकालेंगे तो फिर वो डिटेल में करना पड़ेगा। जी जी।